गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था कि वाक्य की परिभाषा क्या है और वाक्य के भेद। इस वीडियो में विद्यार्थी हम वाक्य के जो तीन भेद हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य की परिभाषा और उसके उदाहरण को हम देखेंगे। तो पहला, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया कि जब वाक्य में क्रिया कर्ता के लिंग वचन के अनुसार प्रयोग हो तो उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं, अर्थात कर्ता जिस वचन का या लिंग का हो, क्रिया भी उसी वचन और लिंग या पुरुष के रूप में प्रयोग की जाती है। उसी के आधार पर विद्यार्थी यहां हम देखते हैं कि कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? कर्ता। कर्ता जो है, कर्ता का अर्थ होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की प्रधानता है। जहां क्रिया का लिंग तथा वचन कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार हो वहां उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। कि कर्ता का जो लिंग वचन और पुरुष हो वही लिंग वचन क्रिया में प्रयोग हो। अगर एक वचन का कर्ता है तो एक वचन की ही क्रिया है, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग ही क्रिया का प्रयोग होगा, उसे हम कहते हैं कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों ही क्रियाओं का प्रयोग हो सकता है, सकर्मक और अकर्मक दोनों ही क्रियाओं का प्रयोग हो सकता है। उदाहरण के लिए देखें विद्यार्थी, जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं। यहां देखिए, मैं जो है वो पुल्लिंग है, तो क्रिया भी यहां पर ये पुल्लिंग है। मैं एक वचन है, क्रिया भी यहां पर एक वचन का ही प्रयोग किया गया, अर्थात ये वाक्य क्रिया जो है वो कौन सा वाक्य है? कर्तृवाच्य की क्रिया होगी। उदाहरण दूसरा है, वे हंस रहे हैं। वे हंस रहे हैं। अब ये देखो बहुवचन, तो क्रिया भी क्या हो रही है? बहुवचन का प्रयोग हो रहा है। तो विद्यार्थी इसमें आपने देखा कि कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता है, जो कर्ता जैसा होगी क्रिया भी उसी के रूप में प्रयोग की जाएगी। उदाहरण के लिए, लड़कियां स्कूल जा रही हैं। लड़कियां स्कूल जा रही हैं, लड़कियां स्त्रीलिंग हैं, तो जा रही हैं यह क्रियाओं का प्रयोग होगा। जैसे पुलिस चोर को पकड़ती है, पुलिस चोर को पकड़ती है, तो पुलिस चोर को पकड़ती है, तो पुलिस कर्ता। तो विद्यार्थी इस वाक्य में हमने कर्तृवाच्य में ये जाना कि जैसा कर्ता होगा क्रिया भी उसी वचन और लिंग की होगी, तो उसे हम कौन सा कहेंगे? कर्तृवाच्य क्रिया कहेंगे। अब यहाँ आगे आते हैं विद्यार्थी, वहां हम कर्तृवाच्य पर जाते हैं। कर्तृवाच्य, इसमें कर्म की प्रधानता होती है, कर्म से ही पता चलता है इसमें कर्म। कर्म को हम कैसे पहचानेंगे विद्यार्थी? क्या लगाकर अगर आप क्रिया से उत्तर प्रश्न पूछेंगे, जो उत्तर मिलता है उसी को हम कहते हैं कर्म। इंग्लिश में इसको आप कहते हैं ऑब्जेक्ट। इसमें कर्म की प्रधानता होती है, इसलिए क्रिया का लिंग वचन और कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार होते हैं। किसके अनुसार होते हैं? कर्म के अनुसार होते हैं। तो यहां उदाहरण के लिए, मुझसे यह पुस्तक नहीं पढ़ी जाती, या बच्चों के द्वारा निबंध लिखा जा रहा है। बच्चों के द्वारा निबंध
लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है। तो बच्चों के द्वारा निबंध लिखा जा रहा है। अब देखिए बच्चों के अगर बहुवचन है पर यहां लिखा जा रहा है निबंध एक, तो एक वचन के रूप में प्रयोग हुआ। तो विद्यार्थी इसमें कर्म की प्रधानता होती है, इसलिए क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार होते हैं। कर्म क्या है? निबंध। तीसरा वाक्य हम पढ़ते हैं विद्यार्थी भाववाच। कौन सा? भाववाच। जब आदमी क्रिया का प्रयोग करता और कर्म के लिंग वचन के अनुसार न होकर भाव के अनुसार, किसके अनुसार विद्यार्थी? भाव के अनुसार हो, तो उसे हम कहते हैं भाववाच। उसे हम क्या कहते हैं? भाववाच कहते हैं। उदाहरण के लिए नूतन से खाना नहीं खाया जाता। यहां हो जाएगा खाना नहीं खाया जाता, नूतन से खाना नहीं खाया जाता। इस प्रकार विद्यार्थी इसमें हमने वाच के भेदों को उदाहरण के साथ देखा। इसके आगे के वीडियो में हम कर्तवाच से कर्मवाच और कर्तवाच से भाववाच बनाना सीखेंगे। धन्यवाद।